सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। क्या विक्रम वेदाहुजीले क्यों ट्विटर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं फैंस, और क्या है फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट? हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं पूर्णिमा। आज फिर मेरे हाथ लग चुकी है फिल्म विक्रम वेदा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी और प्यासे कौए की कहानी। आप सभी ने ये कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन सीख देने वाली कहानियों के अलावा हमने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां भी बहुत सुनने को मिलती थी, जिनसे हम सच में बहुत ज्यादा डर भी जाते थे, लेकिन सुनने में मजा भी उतना ही आता था। ऐसी ही एक कहानी थी विक्रम और बेताल की, जिसमें एक बहादुर विक्रम नाम का राजा बेताल भूत को पकड़ने निकलता है और बेताल हर बार चलाकी से उससे दूर भाग जाता है। बट जैसे जैसे समय बदला, हमारे बचपन की कहानियां भी धुंधली होने लगी। फिर एक दिन एक फिल्म मेकर ने एक बार फिर हमारे बचपन की उस डरावनी कहानी को हमारे सामने रखने का फैसला किया और हमारे सामने आई विक्रम वेदा की कहानी। हालांकि मॉडर्न टाइम में ये कहानी थोड़ी मॉडर्न और एडवांस जरूर हो चुकी है, पर कहानी का वो पागलपन और रोमांच आज भी उतना ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आने वाली एक्शन एडवेंचर फिल्म विक्रम वेदा की, जो असल में इसी नाम से आई एक तेलुगु फिल्म की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है। और इस फिल्म को डायरेक्ट भी पुष्कर गायत्री ही कर रहे हैं, जिन्होंने तेलुगु फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। प्रीवियस फिल्म में विक्रम के रोल में हमें आर माधवन और वेदा के रोल में हमें साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति देखने को मिले थे। एंड ऑब्वियसली विजय सर ने अपने नेगेटिव कैरेक्टर को इतनी बखूबी से निभाया था कि आप सच में उनके फैन हो जाओगे। अब इसकी हिंदी रीमेक में विक्रम के रोल में हमें सैफ अली खान और वेदा के रोल में हमें ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। है ना काफी एक्साइटिंग न्यूज। मेकर्स ने इससे पहले फिल्म में ऋतिक के लुक को भी शेयर किया था, जो सच में काफी बैडएस लग रहा था। साथ ही हमें फिल्म में विक्रम की वाइफ के रोल में राधिका आप्टे भी नजर आने वाली है। लेकिन अब जब फिल्म के रिलीज होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो फैंस इसके टीजर और ट्रेलर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म को सितंबर मंथ में रिलीज किया जाना है और अभी तक इसका कोई मोशन पोस्टर तक रिलीज नहीं हुआ है। अब ऐसे में ट्विटर पर फैंस की भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम फैंस ये कह रहे हैं कि हमसे और वेट नहीं हो रहा है, हमें फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई ग्लिम्प्स तो चाहिए ही अब। कुछ फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिल्म फॉर श्योर डिले होने वाली है, क्योंकि मेकर्स नए एक्टर्स के साथ विजय और माधवन जैसी केमिस्ट्री मैच नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है, यानी ऑफिशियली फिल्म अभी भी 30 सितंबर को ही रिलीज होने के लिए तैयार है। फिलहाल फैंस के इंतजार का सबसे बड़ा रीजन ऋतिक है, क्योंकि हम पहली बार किसी फिल्म में ऋतिक को एक नेगेटिव रोल में देखने वाले हैं, और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर में जिसे फैंस ऑलरेडी ही विजय सेतुपति को प्ले करते हुए देख चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच कंपैरिजन होना तो लाजमी है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऋतिक विजय की परफॉर्मेंस से कम्पीट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या फिल्म में ऋतिक की जगह आप किसी और एक्टर को वेदा के रोल में देखना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।